सूट 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 नहीं करती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय बेयर नेकेड फेस एंड दिस इज माय फेस ड्यूरिंग विंटर्स। यस, आई एम एक्सट्रीमली टैंड, स्टिल यू कैन सी सम ग्लो ऑन माय फेस। और मैंने ना कोई भी मेकअप नहीं लगाया, नथिंग नथिंग ऑन माय फेस, कुछ भी नहीं है, देख लो। सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक है एंड मेरा स्किन केयर है। और आप देख सकते हो मेरा फेस कितना प्यारा सा ग्लो कर रहा है। तो विंटर्स में मैं बहुत ज़्यादा टैंड होती हूँ, बट डेफिनेटली हम सभी को एक टाइम बाद अपनी स्किन की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एंड स्पेशली मी, बिकॉज मैं बहुत सारा मेकअप अप्लाई करती हूँ जब मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो मुझे स्किन का केयर करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो इस लिहाज से आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मेरा स्किन केयर रूटीन जो मैं करंटली फॉलो कर रही हूँ, एंड यू कैन सी द ग्लो, सबूत आपके सामने। तो अगर आप भी स्किन केयर करना पसंद करते हैं, अपनी स्किन का ध्यान रखना पसंद करते हैं, स्किन का ग्लो पसंद करते हैं, ब्राइटनिंग पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरी एंड तक जरूर देखनी चाहिए, बिकॉज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ एंड उनके क्या फायदे होने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये सारे बहुत अफोर्डेबल होने वाले हैं, इजीली आप फ्लिपकार्ट से इन्हें परचेज कर सकते हो, जहां से मैंने इन्हें लिया है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बट वीडियो में जाने से पहले, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, अगर मेरे वीडियोस को आप देखते हैं, नहीं भी देखते हो, तो हाय, आई एम प्रीति। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके जो बगल में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करना, बिकॉज उससे मिलेंगे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, एक सांस में बोल गई सारा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं एंड मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या चीजें यूज कर रही हूँ अपने स्किन केयर में। एंड बहुत हाई फाई चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं यूज कर रही हूँ, वेरी लिमिटेड। एंड ओके, दो एक बार में प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ मैं। चलो सारा कुछ नहीं बताऊंगी, वीडियो दिखा देती हूँ, उसके बाद में बताऊंगी। हाई एवरीवन, सो दिस इज मी विद माई टायर्ड फेस। सो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग माई स्किन केयर टूडे विद यू। तो यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ ओजीवा का इनर ग्लो स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश एंड फेस सीरम। तो सबसे पहले हम फेस वॉश को यूज़ करेंगे, एंड यू कैन सी हाउ क्यूट दिस लुक्स। ये पम्प के फॉर्म में आता है एंड यू गेट इन द फोमी टेक्स्चर। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने लिप्स से ये लिपस्टिक को रिमूव कर रही हूँ, जो कि मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो और मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हो, जो आप चाहो यूज़ कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट आई एम टेकिंग द फोम फेस वॉश, जो कि ओजीवा का है, एंड आई एम टेकिंग इट इन माई पाम। और मैंने ना बहुत ज़्यादा ले लिया है, बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग दैट आइडिया कि इतना ज़्यादा आ जाएगा, बट मैंने पम्प ज़्यादा ले लिया एंड काफ़ी ज़्यादा आ गया। फिलहाल मैं वॉश कर रही हूँ एंड यू कैन सी द रिजल्ट। ये आपके स्किन से ना तुरंत के तुरंत सारे डर्ट डस्ट और सबको रिमूव कर देता है एंड यू गेट इन अ ग्लो। अभी मैं सेकेंड प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, जो कि है इनका स्किन ब्राइटनिंग सीरम। और ये ना बहुत ही प्यारी आपके स्किन पे ग्लो लेके आता है। इसमें विटामिन सी है, लिकोराइस है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपके स्किन से टैन को रिमूव करेंगे, आपके स्किन को ब्राइटन करेंगी, ग्लोई बनाएंगी। एंड अगर आप इसे कंटिन्यूस यूज़ करते हैं ना, तो आपके फेस से डार्क स्पॉट्स भी रिमूव हो जाएंगे, तो है ना अच्छी बात। एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ क्लिनिकली प्रूवन ऑल्सो। ओके, तो आई होप आपने मेरा पूरा स्किन केयर रूटीन देख लिया होगा, मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी दे दी है। ओके, तो ओजीवा जो है एक ऐसी ब्रांड है जो कि प्लांट बेस्ड है, तो इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं वो मैक्सिमम प्लांट बेस्ड होने वाले, कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। स्टिल जो भी इसमें चीज़ें मिलाई गई उनकी इतनी प्यारी सी सूदिंग सी फ्रेग्रेंस है ना, कि अगर आप यूज़ करोगे तो आपको बस मज़ा ही आ जाएगा, मतलब बहुत प्लीजिंग सी है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया इनको यूज़ करके। एंड एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये क्लिनिकली प्रूवन है, तो इनके साथ आप फिर भी एक बार मैं बोलूंगी आप पैच टेस्ट जरूर करना अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एलर्जी हो सकती है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सभी के फेस को या सभी के स्किन को सूट नहीं करती है, सूट नहीं करती है। तो आप जरूर पैच टेस्ट करना एंड उसके बाद ही यूज करना। एक और चीज मैं आपको कहूंगी, जब आप ऐसी कोई चीज यूज कर रहे हो ना, तो कोई भी अगर आपसे ऐसे कह रहा है कि दो दिन में आप गोरे हो जाओगे, चमक जाओगे, तो गोरे होना फिलहाल इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। तो अगर आपसे कोई ऐसा कह रहा है कि इतना यूज़ करके, इतने दिन में यूज़ करके ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो सब फर्जी है। आपको कोई भी चीज़ जब आप ऐसे यूज़ करते हो ना, तो लॉन्ग रन में यूज़ करनी होती है। लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, तो कम से कम ना आपको डेढ़ दो महीना तो इस्तेमाल करना ही होगा। डेढ़ दो महीना तो इस्तेमाल करो कम से कम, तब तो आपको रियल रिजल्ट पता चलेगा। फिलहाल अभी आप मेरा जो चेहरा देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं, आई एम रियली रियली टैंड। ये मेरा फेस का कलर है एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा टैनिंग हो रखी है, तो कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है।
मैं ऐसी ही हूँ, ठंड का मौसम था, हम सब धूप में बैठे रहते थे, तो इसलिए ये होना लाजमी है। फिलहाल आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। इन प्रोडक्ट्स को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर चेक कीजिएगा एंड मुझे जरूर बताइएगा अगर आपने इनमें से कोई भी चीज ट्राई की है। इनके पास बहुत सारी चीजें एक ओके तो इनकी एक और चीज है जो मैं यूज कर रही हूँ एंड दैट इज देयर एंटी एजिंग सीरम। तो मैं 30s में हूँ, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है उन सब चीजों की बिकॉज आई ऑलरेडी हैव स्टार्टेड गेटिंग दीज रिंकल्स बिकॉज ना मेरी आदत है ऐसे ऐसे करने की। सो आई हैव स्टार्टेड गेटिंग रिंकल्स और फाइन लाइंस, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ अपने लिए, तो मैं यूज कर रही हूँ एंटी एजिंग सीरम। मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से है कुछ। तो ये मैंने अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, बट अगर आप इसे लॉन्ग रन में यूज करेंगे, 2-3 महीना इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको इनका एग्जैक्ट फायदा पता चलेगा, तभी आप एग्जैक्ट डिफरेंस देख पाएंगे। मतलब फाइन लाइंस आप 2 दिन में नहीं भगा सकते, कोई नहीं भगा सकता, डॉक्टर भी नहीं भगा सकता, अनटिल एंड अनलेस आप बोटॉक्स करवाओ। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे जरूर कॉमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो मेक श्योर कि लाइक कर दे इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में और जहां मन करे वहां। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप लविंग। बाय बाय।